तो गाइस नमस्ते। तो गाइस रिसेंटली मैं अभी खड़ा हूँ अहमदाबाद से करीब मैं 9 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ सिद्धिविनायक मंदिर। कहीं ना कहीं पर अपने नाम सुना ही होगा, गुजरात के अंदर आया हुआ मैं अहमदाबाद में सिद्धिविनायक मंदिर, गणेश जी का मंदिर। तो वहां पर जा रहे हैं हम अभी। फिलहाल अभी हम हैं अहमदाबाद टू मुंबई नेशनल हाईवे के ऊपर। यहाँ पर ब्रिज देख सकते हो, ये हमारा हर्षद काका है, हर्षद अंकल है, और साक्षी, ये है हमारी साक्षी, और इनकी भी वीडियो बनाने की है। तो देख सकते हो, अब मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब उसके भी चैनल देख सकते हो। अभी उनके भी 1 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। और अभी सामने सड़क है, वो जा रही है मुंबई, बीच में आएगा नडियाद, आनंद, बड़ोदरा, जिसके बाद आएगा सूरत, उसके बाद आएगा मुंबई। तो चलो फिलहाल निकलते हैं वहां जाके, कुछ बोलते हैं, चलो निकलते हैं। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम सिद्धिविनायक मंदिर में। अभी लिटरली मंदिर में घुस ही चुके हैं, कुछ नहीं हमको देखने को मिल चुका है। दादी माँ की मूर्ति है यहाँ पर, और यहाँ पर सिद्धिविनायक सामने गेट है, यहाँ से जाने का स्टार्ट होता है। यहाँ पर साक्षी के तो कुछ फ्रेंड मिल चुका है, एंड अभी फोटो खिंचवा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। यहाँ पर बाकी देखने को जबरदस्त है, खतरनाक। अभी जा रहे हैं हम ऊपर, और ऊपर ही जाएंगे। चलो धीरे करके साक्षी चलते हैं, साक्षी चलो चलते हैं, आगे जाते हैं। तो बस अभी दर्शन करने के लिए ऊपर जाने के लिए निकल चुके हैं। पीछे साक्षी ये देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो बीच में मंदिर है, चलो जाते हैं ऊपर अभी। तो अभी यहाँ पर गिरदी हो चुकी है, पीछे पब्लिक आ ही जा रहा है, और यहाँ पर गाड़िया में खिड़की यहाँ पर। हम वहाँ पर खड़े थे, लेकिन बहुत गिरदी की वजह से साक्षी को इसके बीच में से डायरेक्ट ही वहाँ पर भेज दिया। देख सकते हो साक्षी वहाँ पर खड़े हैं, पर साक्षी को लाना बहुत गंभीर बात है, इसे डायरेक्ट ही बीच में से ला दिया। इस इंसान की आप देख सकते हो कितनी हाइट है, सबसे बड़े लग रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हो हली के जितने की हाइट है, देख सकते हो लिटरली में गाइस। फोटो खींचना तो उनकी आम बात है, देख लो यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मुसक की एक मूर्ति भी है, जिसको कान में से कहने से आपकी इच्छा पूर्ण होती है, तो हम भी कान में कुछ कहते हैं। चलो चलो बाहर निकलता है, बाहर जाने का रास्ता है, तो चलो साक्षी बाहर निकलते हैं हम। अंदर एसी की भी सुविधा है, बाकी अच्छा है कि कहानी भी है। ऐसे ही मूर्ति नहीं रखी गई यहाँ पर मुंबई से यहाँ पर भगवान आए थे गणेश जी। मैं और साक्षी एंड हर्षद काका, हमारे तीन के अलावा कोई यहाँ पर है ही नहीं, अभी जा रहे आगे। चलो यहाँ पर लोग पैसा भी चिपका रहे हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा महादेव का शिवलिंग है, चलो जाते हैं। तो गाइस आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि सच में भारत से पहले भी इंडोनेशिया में गणेश जी को पूजा जाता था, गणेश जी को मानते थे इंडोनेशिया में, इंडिया से पहले, मतलब कि इंडिया में बाद में मंदिरों को पूजा जाता है, गणेश जी को बाद में पूजा जाता था, पहले इंडोनेशिया में पूजा जाता था गणेश जी को। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है इंडोनेशिया, इंग्लिश में भी दे रखी है, और हमारी लैंग्वेज गुजराती में भी दे रखी है, नेपाल में भी ऐसा ही है। गणेश जी को माना जाता है, इंडिया से पहले भी कई देशों में गणेश
में भी गणेश जी को माना जाता है। देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं समझाने के लिए जाऊंगा बहुत देर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारी दे रखी है कि इंडिया में कितने मंदिर है, कौन सी कौन सी जगह पे गणेश जी का मंदिर है उसकी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर देख सकते हो बल्लाळेश्वर मुंबई में है, मुंबई से करीब 124 किलोमीटर दूर होता है। यहाँ पर चिंतामणि विनायक का है, सभी जहाँ पर इंडिया में मंदिर है ना वहाँ का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पर अहमदाबाद का, हम लिटरली वहाँ यहाँ पर है अभी, यहाँ पर है, बाद में आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। पूरे एशिया खंड में ऐसा मंदिर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हो पहले अफगानिस्तान में भी गणेश जी को मानना चाहता था लेकिन बुरे भी नहीं होते। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा है देख सकते हो, फोटो यहीं खींचिए, इकलौता ऐसा मंदिर है वहाँ पर फोटो यहाँ से खींचिए, लिटरली में फोटो लेना मना है। वहाँ पर क्या लिखा है, फोटो लेना मना है, तो फोटो हम नहीं खींचेंगे, ऑनली वीडियो उतारेंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और अभी मंदिर के पीछे हम बैठे हैं। आप यहाँ पर चढ़ नहीं सकते हो तो आप लिफ्ट के जरिए भी जा सकते हो, यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा दे रखी है। और अभी यहाँ पर हम पीछे नीचे बैठे हैं और देख सकते हो साक्षी, हम डायरेक्टली लाइन में खड़े ही नहीं हुए, वीआईपी जो दर्शन वीआईपी दर्शन होते हैं ना, वीआईपी दर्शन के हमारे पास पावती नहीं थी और टिकट आती है ना वो हमारे पास नहीं थी, लेकिन हम वीआईपी दर्शन के जो बोर्ड मारे होते थे तो उसको देखते देखते आए और डायरेक्टली बीच में से लाइन में घुस गए लिटरली। वहाँ आगे तो जाने नहीं दे रहे थे लेकिन आगे पुलिस वाले भी खड़े थे, लेकिन पुलिस वाले हमको देखा नहीं, वैसे हम आ गए अंदर और बायपास अंदर ही घुस गए, वरना हमको 2-3 घंटे वेट करना पड़ता। और अभी तो हम लाइन में खड़े होते लेकिन बीच में से आ गए, वो अच्छा हुआ हमारे पास। अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं, अभी हम हमारे बाइक के पास में जा रहे हैं फॉर्चुनर लेजेंडर, फिलहाल दर्शन कर लिया अच्छे से। यहाँ पर से दिख रहा है हमको बहुत बड़ा मंदिर, गणेश जी का चेहरा है की तरह ही मंदिर है। और बाइक के पास जाएंगे और जाएंगे कुछ खाएंगे, बाद में निकलेंगे, मजा आया कि नहीं आया।